दिल्ली के कॉलेज प्रिंसिपल के यौन शोषण से परेशान होकर आत्मदाह करने वाली लैब असिस्टेंट की दिल्ली के अस्पताल में मौत हो गई है। दिल्ली के भीमराव अंबेडकर कॉलेज की लैब असिस्टेंट ने 30 सितंबर को दिल्ली सचिवालय के सामने खुद को आग के हवाले कर दिया था। लैब असिस्टेंट को 90% जली हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन आज उसकी मौत हो गई। अम्बेडकर कॉलेज की इस लैब असिस्टेंट ने कॉलेज के प्रिंसिपल पर आरोप लगाया था। कॉलेज का प्रिंसिपल जीके अरोड़ा है, इस पर यौन शोषण करने का आरोप इस लैब असिस्टेंट ने लगाया था। प्रिंसिपल की बात न मानने पर लैब असिस्टेंट को कॉलेज से टर्मिनेट भी कर दिया गया था। गौरतलब है कि जब इस प्रिंसिपल की शिकायत इस लैब असिस्टेंट ने की थी, उसके बाद से ही प्रिंसिपल ने इसे कॉलेज से टर्मिनेट कर दिया था, हटा दिया था, और आत्मदाह की कोशिश के बाद आज पीड़ित लैब असिस्टेंट की मौत हो गई है। लेकिन आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस ने प्रिंसिपल से पूछताछ तो की, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। 30 सितंबर का यह पूरा वाकया है, जब खुद को दिल्ली सचिवालय के सामने ही इस युवती ने आग के हवाले कर दिया था और 90% जली हालत में इसे अस्पताल ले जाया गया था। कॉलेज के प्रिंसिपल पर इस लैब असिस्टेंट ने यौन शोषण का आरोप लगाया था और दिल्ली के अंबेडकर कॉलेज का ये प्रिंसिपल है जिस पर ऐसा आरोप लगाया गया था। अंबेडकर कॉलेज में ही लैब असिस्टेंट थी ये महिला, और जब यौन शोषण से, यौन उत्पीड़न से ये महिला परेशान हो गई, तब जाकर इसने दिल्ली सचिवालय के सामने इसने अपने आप को आग के हवाले कर दिया। 90% जली हालत में इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आज अब से कुछ ही देर पहले इसकी मौत हो गई है। इस महिला के पति का क्या कुछ कहना है, इंसाफ के लिए वो क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। मैडम की क्या हुआ पूरी बात बताइए। सुबह 9 बजे करीब हुई है डॉक्टर, बाकी तो डॉक्टर बता सकते हैं कि किस वजह से हुई है। कह रहे थे इंजेक्शन वगैरह है, उसकी वजह से हुई। आप एक बार पूरा मामला बता देंगे कि क्या हुआ, कब इन्होंने आग लगाई थी, पूरी बात बता दीजिए, घटनाक्रम क्या हुआ था और कितने दिन से एडमिट थी, आज जो डेथ हुई। स्टेटमेंट दिया हुआ है सारा, बयान होने के बाद भी अब तक कुछ नहीं हो रहा, तो उसके मैं और क्या बोलूँ। असल कितनी तारीख को इन्होंने, 20 तारीख को हुआ था इंसिडेंट जी। धर्मेंद्र जी, ये स्पेसिफिक एलिगेशन आपकी वाइफ ने, 6 दिन हो गए, 7 तारीख हो गए, 6 दिन हो गए स्टेटमेंट दिए, 1 तारीख का स्टेटमेंट हुआ था, अब तक तो उसका तो कुछ हुआ नहीं और हमारा तो नुकसान हो गया, जो हमारा हो रहा है आपको पता ही, आपके सामने ही। पूरे मामले में क्या कहते हैं आप? पूरे मामले में तो हम पहले भी कह रहे हैं कि न्याय चाहिए हमें, परंतु जो है लगता है कि वो प्रिंसिपल साहब कुछ ज़्यादा ही पावरफुल हैं, कानून से ऊपर हैं, ये कानून में कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। देखिए, इससे बड़ा उनको झूठा साबित कर दिया गया, 2012 से नौकरी से निकाल दिया गया, अपने आप को सही प्रूव करने के लिए उन्होंने अपने आप को आग लगा ली और उसके बाद अब वो इस दुनिया में भी नहीं रही। नहीं नहीं, बेसिकली नौकरी की बात नहीं है, ये है हरासमेंट की बात, बार बार जो सब। तो आपने सुना, इस महिला का पति इंसाफ चाहता है और उसने साफ तौर से कहा प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि उसका रसूख है, उसके पास पावर है। लेकिन ये महिला मौत से पहले इसने प्रिंसिपल पर तमाम जो आरोप लगाए, जो इल्जाम लगाए, अपनी पीड़ा बताई, वो भी सुनिए। 4 सालों से परेशान कर रहे हैं, रिलेशन बनाना चाहता था। तो उसने मुझे 13 दिन 12 को नौकरी से निकाल दिया और धमकियां देने लगा। मैंने प्रिंसिपल की और रविंदर सिंह की बहुत ज्यादा कंप्लेंट की, लेकिन मुझे कहीं से न्याय नहीं मिला। ये बात मान ले तो मैं नौकरी में रख लूंगा, नहीं तो तुझे तेरे बच्चों को मार दूंगा। मुझे धमकी दे रहा था मेरे बेटे को मुझे मारने के लिए, फिर मैंने कहा जब मैं नहीं रहूंगी मेरे बच्चों को फिर सलामत रहेगा। तो आपने इस महिला की पीड़ा सुनी, किस तरीके से हर तरफ से वो परेशान हुई। 4 साल से एक तो ये प्रिंसिपल लगातार उसको मानसिक दबाव बना रहा था कि वो किसी भी तरीके से इसके साथ संबंध बनाए और यौन शोषण, यौन उत्पीड़न लगातार कर रहा था, लेकिन कोई भी कार्रवाई, हर तरफ ये महिला अपनी बात लेकर पहुंची, शिकायत लेकर पहुंची, लेकिन इसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। सवाल यही है कि आखिर प्रिंसिपल पर कार्रवाई कब होगी। पुलिस के पास भी यह महिला पहुंची थी, लेकिन पुलिस ने प्रिंसिपल से आखिर सिर्फ पूछताछ क्यों की। डीओ ने क्यों नहीं प्रिंसिपल को सस्पेंड किया। जिस तरीके से यह पूरा मामला सामने आया है, उसके बाद इतने दिनों बाद तक भी क्यों कार्रवाई नहीं हुई है। घटना को 8 दिन बीत चुके हैं, आत्मदाह करने वाली लैब असिस्टेंट की मौत भी हो चुकी है, लेकिन अब तक किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, आपसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि लगातार 4 साल से ये प्रिंसिपल इस महिला को, लैब असिस्टेंट को परेशान कर रहा था और
उसका यौन उत्पीड़न कर रहा था, इसे संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन महिला के इनकार के बाद इसे धमकियां भी देता था कि एक तो उसे नौकरी से निकाल देगा और इसके बाद उसे और उसके बच्चे को जान से भी मार डालेगा। महिला ने तंग आकर इसके बारे में कई शिकायत की, लेकिन जब कहीं भी उसकी सुनवाई नहीं हुई तो 30 सितंबर को दिल्ली सचिवालय के सामने जाकर इसने आत्मदाह कर लिया और 90% जली हालत में इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपसे कुछ ही देर पहले इसके अस्पताल में मौत हो गई। हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा के पास चलते हैं। विनोद, जाहिर तौर पर 30 सितंबर को इसने आग लगाई, अब से कुछ ही देर पहले इसकी मौत हुई, आखिर पुलिस कोई भी एक्शन क्यों नहीं ले रही है? सिर्फ पूछताछ करके इस प्रिंसिपल को क्यों छोड़ दिया गया? विनोद, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी हमारे विनोद, आखिर अब तक पुलिस ने कोई स्ट्रिक्ट एक्शन, कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन क्यों नहीं लिया है? सिर्फ पूछताछ करके इस प्रिंसिपल को छोड़ दिया गया, आखिर क्यों नहीं इसकी गिरफ्तारी हुई? देखिए, इस पूरे मामले में शुरू से ही बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिस तरह से महिला जो है, जो इस अंबेडकर कॉलेज की लैब टेक्नीशियन थी, लगातार आरोप लगा रही थी, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और करीब एक हफ्ते पहले उसने दिल्ली सेक्रेटरी के सामने खुद के शरीर पे पेट्रोल डालकर आग लगा लिया। उसके बाद करीब एक हफ्ते बाद अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझने के बाद आज उसकी मौत हो गई है। पुलिस का कहना था कि पुलिस ने शुरू में उसके बयान दर्ज किए थे, उसके बाद से चूंकि जो मामला कॉलेज प्रशासन का था, एलिगेशन अंबेडकर कॉलेज के जो प्रिंसिपल है उनके ऊपर लगा हुआ था। हालांकि ये भी बता दें आपको कि जो इंटरनल इंक्वायरी कॉलेज की तरफ से की गई थी उसमें प्रिंसिपल को बरी कर दिया गया था, यानी उस इंक्वायरी से प्रिंसिपल बच गए थे और प्रिंसिपल का साफ कहना था कि जो एलिगेशन लगाए गए हैं बिल्कुल निराधार है। लेकिन चूंकि अब उस महिला की मौत हो गई है तो पुलिस के पास एक अहम सबूत है, उसका जो स्टेटमेंट है, जो डाइंग डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। लापरवाही वाला रवैया कब तक रहेगा विनोद? ये सवालिया निशान है। आखिर प्रिंसिपल की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? उसके खिलाफ कोई जांच क्यों नहीं की जा रही? आप अपनी नजर बना रखिए। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तीन तस्वीर में अब जाहिर तौर से बातें सामने आ जाती है, आखिर प्रिंसिपल पर अभी तक क्यों नहीं कोई कार्रवाई की गई है? महिला कर्मी ने यौन शोषण से, यौन उत्पीड़न से आज जाकर अपने आप को आग के हवाले कर दिया और अब से कुछ ही देर पहले इस महिला की मौत हो गई है। क्या महिला को मौत के बाद भी इंसाफ मिल पाएगा? इसका पति अब दर दर गुहार लगा रहा है कि किसी भी तरीके से इसकी पत्नी को अब इंसाफ मिले, जो कि इस दुनिया में नहीं है।